हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है. आज हम बात करने जा रहे हैं लेज़र लाइट में, जो है आपके लेज़र लाइट में पांच जो प्रोसेस हैं बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं. पहला है अब्जॉर्प्शन, दूसरा है पॉपुलेशन इन्वर्सन, एंड तीसरा है स्पॉन्टेनियस इमिशन, एंड फोर्थ नंबर इज स्टिमुलेटेड इमिशन, और पांचवा नंबर है पंपिंग मेथड. ठीक है, इन सारे चीज़ के ऊपर जो है, सारे टॉपिक के ऊपर आपको जो है डिटेल से बताने वाला हूँ. ठीक है, सबसे पहले जो है आपको जो है अब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके बाद जो है सीरियल वाइज है जो हमने जो है लिखा है पॉपुलेशन इन्वर्सन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, पंपिंग मेथड, सारे चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ जो है सरल शब्दों में जो है आपको बताने जा रहा हूँ. तो घबराने की जरूरत नहीं है. जरूर जो है ये टॉपिक जो है थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हम आपको जो है आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन. तो सब लास्ट क्लास में जिस प्रकार से हमने लेज़र लाइट के बारे में डिस्कस किया था, लेज़र लाइट में जो है क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, हम तो उससे डिटेल से नहीं डिस्कस कर पाए थे, लेकिन आपको हमने प्रॉमिस किया था कि इन सारे टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो को बनाऊंगा. ध्यान दीजिए, लेज़र लाइट में हमने जो है नियोन एंड हीलियम, हीलियम नियोन लेज़र के बारे में हमने बताया था आपको, और जो है लेज़र लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, लेज़र लाइट का क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेज हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ लेज़र क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. अगर अभी तक आपने मेरे लेक्चर वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा. नहीं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बेसिक फिजिक्स में आपको जो है इन सारा टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा. तो शुरुआत करते हैं एब्जॉर्प्शन से. तो हेडिंग डाल दीजिए एब्जॉर्प्शन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन होता क्या है. ठीक है, तो वर्ड से ही आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नाम में जो है बहुत कुछ रखा हुआ है. ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, नाम में जो है बहुत कुछ रखा हुआ है. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो आप जो है TION, ठीक है, इसको आप भूल जाइए. सबसे पहले एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है, उससे पहले जो है एब्जॉर्ब क्या है. ठीक है, तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेना. ठीक है, किसी भी चीज़ को लेना. तो एब्जॉर्प्शन जब लग गया तो एक प्रोसेस है. ठीक है, सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है. ठीक है, उसके लिए जो है हम आपको डायग्राम बनाकर हम आपको कोशिश करेंगे समझाने के लिए. तो सबसे पहले हमने जो है आपको बताया था, मान लीजिए दो डायग्राम हम बनाना चाहते हैं, एक बिफोर एब्जॉर्प्शन और एक आफ्टर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, यहाँ जो है ये आपका जो है E1 है और ये E2 है. ठीक है, फिलहाल हम जो है दो ही एनर्जी स्टेट ले रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था चार एनर्जी लेवल स्टेट. ठीक है, लेकिन हम जो है अभी दो ही एनर्जी लेवल को कंसिडर कर रहे हैं आपको अच्छी रीति से समझाने के लिए. तो मान लीजिए ये E1 है और ये E2 है. ठीक है, ये है आपका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट. ठीक है, और ये आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट. कोई डाउट है? नहीं. मान लीजिए इसका जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 है. ठीक है, तो शुरुआत में क्या होते हैं आइटम जो होते हैं, मान लीजिए ये आपका ये आइटम है. ठीक है, ऐसे तो आइटम जो है बहुत सारे होंगे, लेकिन हम जो है फिलहाल आपको समझाने के लिए एक ही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए ये आइटम है. अभी जो है आइटम जो है ये आपका जो है ग्राउंड स्टेट में है. कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में. ठीक है, तो ये है आपका बिफोर एब्जॉर्प्शन, बिफोर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अब जो है मान लीजिए एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा. ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो एक और डायग्राम बनाते हैं. ये हो गया आपका E2 और E1. ठीक है, N1 एंड N2. ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो है फोटोन को हम पास कर रहे हैं. ठीक है, फोटोन को जो है हम पास कर रहे हैं. ठीक है, फोटोन, फोटोन क्या है, एक एनर्जी है HV. ठीक है, HV. ठीक है, ये जो है हम जब फोटोन को जब पास करेंगे तो ये क्या करेगा, आइटम जो ग्राउंड स्टेट में था वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. ध्यान दीजिए, यानी कि ये क्या हो गया, आफ्टर एब्जॉर्प्शन.
यानी कि आपका जो बिफोर एब्जॉर्प्शन था, यानी कि जब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था तो आइटम जो था वो ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है। जब यहाँ पर हमने जो है एनर्जी को सप्लाई किया था, जो है हम जब इलेक्ट्रॉन को जब पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जब हमने पास किया तो ये जो है ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जो है ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट में ले आया। कहाँ ले आया? एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि जब ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया, ध्यान दीजिए, जब ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया तो ये क्या किया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मान लीजिए आप जो है भूखा हैं, ठीक है, तो आपको जो है खाना मिलता है, तो जब खाना मिलता है तो सबसे पहले आप जो है ग्राउंड स्टेट में थे। जब आप भूखे थे तो मान लीजिए वो आप ग्राउंड स्टेट में थे, ठीक है। जब आपको खाना मिला तो आपके अंदर में क्या आया, एनर्जी आया। तो एनर्जी आया तो आप कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, पूरा आप उछलने लगे, कूदने लगे, ठीक है। आप जो है जब भूखा थे तो आप है पूरा मनहूस के तरह जो है बैठे हुए थे, रो रहे थे, वो कर रहे थे, ठीक है, आपके पेट में जो है चूहा कूद रहा था। लेकिन जब आपको खाना मिला तो आप जो है पूरा खुश हो गए, पूरा जो है आप एक्साइटेड हो गए। उसी तरह से जो है आइटम के साथ होता है, ठीक है। सेम चीज़ जो है आइटम के साथ हुआ। आइटम जो है सबसे पहले जो है ग्राउंड स्टेट में था, बेचारा जो है पड़ा हुआ था, ठीक है। वो जो है पूरा दुखी था, पूरा उदास था। समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आइटम मतलब उदास नहीं था, मतलब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो है वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा था, लेकिन जैसी हमने जो है फोटोन को जब सप्लाई किया, ठीक है, फोटोन क्या है, एनर्जी है। जब एनर्जी को जब हमने सप्लाई किया तो ये जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इस प्रोसेस को, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो जाने की प्रोसेस है, कब, जब जो है एनर्जी को जब वो रिसीव करता है, कौन, आइटम, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आपको एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। तो एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए ये डायग्राम जो है आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप डायग्राम को बनाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको जो है 100% जो है पूरा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई जो है कटौती नहीं कर सकता एग्जामिनर, क्योंकि डायग्राम आप बना रहे हैं तो आप अच्छी रीति से उसको जानते हैं। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद हम आपको डिफिनीशन को लिख कर हम आप अच्छी रीति से समझाने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम को बना लीजिए। चलिए, तो हम डिफिनीशन को लिखेंगे एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो डिफिनीशन लिखिए, व्हेन एन आइटम इन ए ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एच म्यू, देन इट मूव्स टू द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। व्हेन एन आइटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एच म्यू, देन इट मूव्स टू द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसको आप लिख लीजिए। तो डायग्राम हमने आपको बताया था, डायग्राम को आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एक आइटम है, ठीक है, और ये आपका हो गया A2 एंड E1। डायग्राम तो हमने बनाया था, इसलिए फिर से बना देते हैं ताकि आपको बार बार याद हो जाए। एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट N1 N2 आफ्टर एब्जॉर्प्शन। E1 E2 H mu N1 N2। ध्यान दीजिए, ये आपका जो है बिफोर एब्जॉर्प्शन है, ये जो है आपका आफ्टर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया आपका, ये डिफिनीशन हो गया। तो आपको समझ में आ गया एब्जॉर्प्शन क्या होता है। कोई भी जब आइटम जब वो ग्राउंड स्टेट में रहता है, जब उसको फोटोन मिलता है, ठीक है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एच म्यू मिलता है, तो क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए।
अब हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, तो नाम से समझिए, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या, ठीक है। मतलब कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब जहाँ पर जो है संख्या बढ़ जाए, जहाँ पर जो है संख्या बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्सन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब आइटम जो है ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में से जो है था, जब उसको हम फ्रीक्वेंसी दिए, एच म्यू का जब हम फ्रीक्वेंसी दिए, एनर्जी दिए, तो वो क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो एक समय ऐसा आता है, एक सिचुएशन वैसा आता है कि एक्साइटेड स्टेट में जो है वो जो है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ जो आइटम है वो जो है बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ आइटम जो है बढ़ जाते हैं। कहाँ पर, एक्साइटेड स्टेज में, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक समय ऐसा आता है कि नंबर ऑफ आइटम इन एक्साइटेड स्टेट जो है ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेज में जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, पॉपुलेशन जो है बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी कि डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेज में एक ही आइटम है, ठीक है, और आपका जो है एक्साइटेड स्टेज में जो है, देखिए यहाँ पर ज़्यादा आइटम है, यानी कि मान लीजिए ये E1 हो गया और ये E2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो हम जो है डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है इसका हम डिफिनेशन को आपको बताने के लिए हम चाहते हैं, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर्स व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन्स या आइटम इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन आर इन एक्साइटेड स्टेट then ground state it is called population inversion। ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन इन्वर्सन अकर व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन्स या आइटम इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन आर इन एक्साइटेड स्टेट देन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, डिफिनेशन को समझिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर व्हेन, कब होता है, जब मोर इलेक्ट्रॉन्स या आइटम, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन्स या आइटम इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कि कोई एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जहां पर मोर इलेक्ट्रॉन्स या आइटम जो है आर इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, वहां जो है ज़्यादा रहेगा एक्साइटेड स्टेज में कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट देन ग्राउंड स्टेट, इट इज़ नॉन एज पॉपुलेशन इन्वर्सन। मतलब कि कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि एक्साइटेड स्टेट में जो है ज़्यादा आइटम होंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्सन, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, तो ध्यान दीजिए, नंबर 3 आप हेडिंग डालिए, स्पॉन्टेनियस इमिशन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन होता क्या है, ठीक है। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जो है आपको समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आपको डिफिनेशन भी देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप जो है, हम डायग्राम, दो डायग्राम बनाना चाहते हैं, एक बिफोर स्पॉन्टेनियस एंड एक आफ्टर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो मान लीजिए अभी जो है, जब हमने जो है आइटम जो है एब्जॉर्ब किया एनर्जी को, तो कहाँ पर आ गया था, तो आ गया था एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ आ गया था, एक्साइटेड स्टेट में, लास्ट में हमने बताया था, ठीक है। ये आपका है ग्राउंड स्टेट एंड दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट,
ये है आपका एनर्जी लेवल E1 एंड एनर्जी लेवल E2, ठीक है। यह है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N1 एंड यह है N2, ठीक है। यह आपका डायग्राम बना रहे हैं बिफोर स्पॉन्टेनियस, शॉर्टकट में लिख रहे हैं इमिशन। यह आपका डायग्राम हम बना रहे हैं आफ्टर स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, आइटम जो है एक्साइटेड स्टेट में है, कैसे गया? तो आइटम जो है कैसे गया था एक्साइटेड स्टेट में, जब बाहर से हमने जो है एनर्जी को सप्लाई किया था, तो आइटम जो है चला गया था एक्साइटेड स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आइटम तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा हुआ है, मान लीजिए इस चौक को हमने जो है मान लीजिए इस चौक को हमने ऊपर फेंका, तो क्या फेंका तो फिर ऊपर ही रह जाएगा? नहीं ना, ध्यान दीजिए, इस चौक को जब हम फेंक रहे हैं तो क्या ऊपर रह जाएगा? नहीं, ये नीचे आएगा, ठीक है। जब ये चौक जब जो है क्या हो रहा है, जब हमने इसको फेंका तो ये जो है कहीं पर जाके ये रुक जाता होगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकता होगा, उसके बाद जो है नीचे आता होगा, मतलब कहीं लास्ट तो एक ऐसा प्रोसेस, मतलब लास्ट एक ऐसा ऊंचाई होगा जहां पर रुकता होगा, उसके बाद जो है फिर नीचे आ जाता होगा। ध्यान से समझने के लिए कोशिश कीजिए, वो हमें क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो बहुत जो है छोटा समय होता है, देखिए बहुत बहुत छोटा होता है, 0.00008 मान लीजिए ये हो गया, तो ये हमको दिखेगा सेकेंड, नहीं ना, इस समय को हम तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है, इसीलिए हमको ये पता नहीं चलता है। तो उसी तरह से आइटम है, आइटम जो है एक्साइटेड स्टेट में गया, अब आइटम कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आने के लिए कोई एनर्जी की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गया, तो कोई भी सामान जब ऊपर गया तो नीचे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो जो है आइटम जो है एक्साइटेड स्टेट से जो है ग्राउंड स्टेज में आ जाता है, कहाँ आता है? ग्राउंड स्टेज में आता है। यानी कि जब आइटम जो है, ध्यान दीजिए, ए हो गया आपका E2 एंड E1 N1 N2, ठीक है, सॉरी N1 N2, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो आइटम जो है क्या करता है, ये जो है एक्साइटेड स्टेट से जो है ग्राउंड स्टेज में आता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेज में आता है। यहाँ पर हमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है आइटम जो है एक्साइटेड स्टेज से कहाँ आ जाता है? ग्राउंड स्टेज में आता है, और आने के वक्त में जो है ये जो है एनर्जी को जो है क्या करता है? छोड़ता है। ये जो है एनर्जी को क्या करता है? इमिट करता है, एनर्जी को इमिट करता है, अर्थात फोटोन को इमिट करता है। तो एक फोटोन को इमिट किया, जिसको हमने माना H μ, ठीक है, क्योंकि इसको हमने जो है फोटोन दिया था, तो फोटोन लेकर ना ऊपर गया था, ध्यान दीजिए, ये तो फोटोन लेकर ऊपर गया था, तो जो चीज़ लेकर ऊपर गया है वही चीज़ लेकर आएगा, ठीक है। मान लीजिए हम चौक फेंके, तो ऐसा थोड़ा ना है कि चौक फेंके तो ऊपर से बम गिरेगा, नहीं, चौक फेंके तो चौक ही गिरेगा ना। तो उसी तरह से अगर हम पेन फेंकेंगे तो पेन ही ना गिरेगा, ऐसा थोड़ी ना कि हम पेन फेंकेंगे तो पेंसिल गिरेगा, नहीं। तो उसी तरह से जब हम इसको ये आइटम था ग्राउंड स्टेज में, जब हम शुरुआत में आपको बताए थे एब्जॉर्प्शन के टाइम में ग्राउंड स्टेज में था, तो इसको जो है हमने क्या दिया था? फोटोन दिया था। क्या दिया था? फोटोन दिया था, अर्थात हमने एनर्जी दिया था, ये एनर्जी को लेकर ऊपर गया था, इसलिए ये एनर्जी को लेकर जब नीचे आएगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी अर्थात फोटोन को जो है इमिट करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं H μ, ठीक है। H μ दिए तो H μ लेकर बेचारा दे दिया, इमिट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अर्थात एक्साइटेड स्टेज से ग्राउंड स्टेज में आने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये एक्साइटेड स्टेज में जो है कुछ ही समय के लिए रहता है, जो है 10^-8 सेकेंड। ध्यान दीजिए, कितना समय के लिए रहता है? 10^-8 सेकेंड तक ही जो है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज में रहता है। उसके बाद जो है इसका जो है एक्साइटेड स्टेज में जो रहने का जो लाइफ टाइम है वो कितना है? 10^-8 सेकेंड, बहुत कम समय तक जो है ये रहता है, ठीक है। मान लीजिए चौक को हमने फेंका, तो चौक जो है 1 घंटा तक रहेगा, नहीं ना, 2 घंटा तक रहेगा, नहीं, वो बहुत कम समय के लिए रहता है, ठीक है। उसी तरह से आइटम है, ये आइटम जो है एक्साइटेड स्टेट में कितना समय तक के लिए रहता है? ये एवरेज टाइम है 10^-8 सेकेंड, क्या है? एवरेज टाइम है, ठीक है। उसके बाद बेचारे ये नीचे आ जाता है, तो जो नीचे आता है तो ये फोटोन को जो है इमिट करता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन।
लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम डिफिनीशन को बताएंगे। चलिए डिफिनीशन लिखिए, एंड आइटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कैन मूव स्पॉन्टेनियसली टू द ग्राउंड स्टेट एंड इमिट फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एच म्यू इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। ध्यान दीजिए, एन आइटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कैन मूव स्पॉन्टेनियसली टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कोई भी आइटम जो है एक्साइटेड स्टेट से जो है मूव करता है कहाँ, ग्राउंड स्टेज में। ठीक है, एंड इमिट्स द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एच म्यू इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, और वो क्या करता है, फोटोन को जो है इमिट करता है, एच म्यू फोटोन को जो है इमिट करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है अर्थात दिस फोटोन हैव रैंडम डायरेक्शन एंड फेस। ध्यान दीजिए, इसका जो डायरेक्शन होता है, जो फोटोन जो इमिट करता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो रैंडमली होता है। किधर होगा पता नहीं, हम लोग को उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, मतलब राइट में होगा, इधर होगा, उधर होगा, हमें पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायग्राम के लिए हमने आपको दिखाया कि ये जो है इधर इमिट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो रैंडमली होता है, किस साइड में होता है, किस डायरेक्शन में होगा, किस फेस में होगा, ये हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रैंडमली होता है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, यानी कि दिस फोटोन हैव ए रैंडम डायरेक्शन एंड फेस। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है। ठीक है, इस डिफिनेशन को आप लिख लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर 4 स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन, तो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, ठीक है, उसको भी हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या डिफरेंस है, ये जो है आप ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं बिफोर स्टिमुलेटेड इमिशन एंड एक डायग्राम बनाएंगे आफ्टर स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया आफ्टर स्टिमुलेटेड इमिशन, ये हो जाएगा बिफोर स्टिमुलेटेड इमिशन। तो आपका हो गया, ये हो गया एनर्जी लेवल E1 एंड E2। ठीक है, N1 एंड N2, ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट एंड दिस वन इज ऑल्सो ग्राउंड स्टेट एंड दिस वन इज योर एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ऑल्सो एक्साइटेड स्टेट। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए, अभी जो है स्टिमुलेटेड एमिशन में जो है आइटम जो है कहाँ रहेगा, तो एक्साइटेड स्टेज में ही रहेगा। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन में कहाँ रहेगा, एक्साइटेड स्टेज में ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका बिफोर स्टिमुलेटेड। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, ये हो गया आफ्टर स्टिमुलेटेड एमिशन। ध्यान दीजिए, अभी जो है बिफोर स्टिमुलेटेड एमिशन आइटम जो है रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, कहाँ रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए,
तो लास्ट में हमने बताया था स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो है हमने एक बार बार एक वर्ड को रिपीट कर रहे थे, हम यहाँ पर कोई भी एनर्जी को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। बार बार हमने बोला था हम यहाँ पर कोई भी एनर्जी को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आइटम जो है खुद से जो है अपने से जो है गिर गया, ठीक है, यानी कि आइटम जो है खुद से जो है एक्साइटेड स्टेज से ग्राउंड स्टेज में आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी जो है आइटम जो है कहाँ है, एक्साइटेड स्टेज में है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेज में कितना देर की तक रहता है, तो 10^-8 सेकेंड तक, ठीक है, 10^-8 सेकेंड तक ये रहेगा। अब ध्यान दीजिए, जब ये एक्साइटेड स्टेज में था, यानी कि जब ये एक्साइटेड स्टेज में था, जैसे कि मान लीजिए जब ये मतलब ये एकदम मतलब कि खा पी कर टंस था, ठीक है। कोई लड़का जो है जब किसी का देखिए, जब हमको किसी से काम लेना रहता है तो क्या करते हैं, देखते हैं कि जब उसका मूड ठीक है उसी समय हम उसको ये बात को बोलते हैं, करते हैं कि नहीं। जब उसका जो है मूड हमने देखा कि अच्छा है, वो हमसे जो है हंसी मजाक कर रहा है, तब हम क्या करते हैं, फट से उसको एक काम दे देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अभी जो है जब लोहा गर्म है उसी समय हथौड़ा मार दीजिए, जब लोहा गर्म है उसी समय हथौड़ा मारिए तो काम जल्दी बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जब एक्साइटेड स्टेज में है, अब उसी वक्त हम क्या करते हैं, एनर्जी को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एनर्जी को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर दे, अर्थात फोटोन को जो है हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फोटोन और फ्रीक्वेंसी एच म्यू को हम सप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो आइटम तो जो है नीचे तो आएगा ही, आइटम तो नीचे आएगा, ठीक है। तो जब आइटम नीचे आएगा तो पिछला बार हमने देखा था, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इमिशन में वो क्या करेगा, वो जो है एमिट करेगा एच म्यू को, एच म्यू को जो है अर्थात जो है ये एमिट करेगा फोटोन को, कितना फोटोन, एक फोटोन को। ध्यान दीजिए ये कब हुआ था, स्पॉन्टेनियस इमिशन में, यानी कि बिना कुछ दिए तो एक वो देगा ही, बिना कुछ दिए उसको देना ही है एक, क्योंकि वो लेकर गया था, समझ में आ रहा है, बिना कुछ दिए ही वो देगा क्योंकि वो लेकर गया था। अब हम वहाँ और एक दे रहे हैं, जब ऊपर पहुँच गया तो हम उसको और सप्लाई कर रहे हैं, तो और देगा, एक और देगा, यानी कि जो सप्लाई की वो भी क्या होगा, वो इमिट होगा फोटोन का, यानी कि अभी जो है दो फोटोन इमिट हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर दो कहने का मतलब हम जो है एग्जांपल आपको ले रहे हैं, ठीक है। वो दो के जगह पर चार भी हो सकता है, चार के जगह आठ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा होगा ना, स्पॉन्टेनियस इमिशन से तो ज़्यादा होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अकेले लेके गया था, यहाँ पर जो है साथ में है, ठीक है। जब वो आसमान में पहुंच गया उसको हम ताकत दे दिए और काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब वो जो है पूरा खा पी कर टंच था, खुश मिजाज में था, हम उसको जो है बोल दिए कि ये काम करो, वो कर देगा, समझ गए ना। बहुत सारे लड़का लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि टीचर का मूड कैसा है, ठीक है, तो उसी समय मजाक कर देते हैं। अगर मूड खराब रहेगा, मजाक करिएगा तो क्या होगा, पिटा जाइएगा। उसी तरह से बहुत सारे लड़की लोग जो है मान लीजिए पेरेंट्स से पैसा ठगना रहता है तो क्या करते हैं, देखते हैं पापा मम्मी को पहले खाना खिला देते हैं, ठीक है। पापा जो है पूरा थके मंदे आएंगे, पूरा जो है ठंडा ठंडा पानी पिला देंगे, उसके बाद जो है सेवा पानी करते हैं, उसके बाद जो है क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग, हम लोग भी क्या करते थे, मान लीजिए मम्मी से पैसा ठगना है तो जिस समय हम पैर दबाते हैं उसी समय हम बोलते हैं मम्मी हमको ये ड्रेस चाहिए, बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं ना। यानी कि जब हम सेवा करते हैं, जब हम खुश करते हैं उसी समय हम कोई चीज़ को हम मांग देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर है, जब ये एक्साइटेड स्टेज में था उसी वक्त जो है हमने फोटोन को जो है ट्रांसफ़र किया और ये जो है एक और फोटोन को जो है ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि यहाँ पर दो फोटोन को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन बोलेंगे, समझ में आ गया, स्टिमुलेटेड एमिशन बोलेंगे, ठीक है। इसी के वजह से, ठीक है, इसी के वजह से जो है एक्टिव मीडियम के जो है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव मीडियम लेजर लाइट जो है लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो पहले डायग्राम को बना लीजिए, उसके बाद हम डिफिनेशन को बताएंगे, मजा आने वाला है, लिख लीजिए। चलिए अब हम जो है डिफिनेशन को लिखे हैं, द प्रोसेस बाय विच इनकमिंग फोटोन ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैन इंट्रैक्ट विथ द एक्साइटेड आइटम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कॉजिंग इट टू ड्रॉप द लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। ध्यान दीजिए, और जो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा वो जो है सेम फेस और सेम फ्रीक्वेंसी का होगा। ध्यान दीजिए, द प्रोसेस बाई विच इनकमिंग फोटोन ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैन इंट्रैक्ट विद एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपका जो है एक्साइटेड स्टेज में जो है जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और जब हमने जो है
एनर्जी को जब सप्लाई किया तो उसके साथ क्या हुआ, इंट्रैक्ट हुआ। इंट्रैक्ट होने का मतलब उसके साथ जो है कोलाइड हुआ, कोलाइड होने का मतलब उससे टकराया, ठीक है। तो जब टकराएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का जो है मतलब कि और जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एनर्जी और एक एनर्जी दोनों जो है टकरा गया तो और एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो जो है एक्साइटेड स्टेज वाला फोटोन से, एक्साइटेड स्टेज का इलेक्ट्रॉन से ना टकराया, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच इनकमिंग फोटोन ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैन इंट्रैक्ट विथ एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कॉजिंग इट टू ड्रॉप द लोअर एनर्जी लेवल, और उसको कहाँ ले आता है, लोअर एनर्जी लेवल में ले आता है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन दैट हैपन इन सेम फेस एंड विथ सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और उसका जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इस आप डिफिनेशन को लिख दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे पंपिंग मेथड के बारे में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं पंपिंग मेथड के बारे में। ध्यान दीजिए, पंपिंग मेथड जो है कई एक बार जो है क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बच्चा जो है कमेंट भी किए थे, सर पंपिंग मेथड पर जो है हमें जो है वीडियो लेक्चर को बनाइए, ठीक है। तो पंपिंग मेथड क्या होता है उसको पहले समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड क्या होता है लेजर लाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन को समझिए, हमने जो है टाइम को बचत करने के लिए डिफिनेशन को पहले ही लिख दिया है। फॉर मेंटेनिंग ए स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्सन आइटम्स हैव टू राइज कंटिन्यूअसली टू एक्साइटेड स्टेट, जो एक बार पॉपुलेशन इन्वर्सन हो गया तो उसको हमेशा के लिए मेंटेन रखना है, तब ना लाइट का जो है लेजर लाइट का जो है प्रोडक्शन होते रहेगा। ध्यान दीजिए, एक बार अगर पॉपुलेशन इन्वर्सन हो गया तो उसको जो है हमेशा जो है मेंटेन रखना है। मान लीजिए एक बार आप क्लास में पास हो गए तो आपको हमेशा ना पास होना है, ऐसा थोड़ी ना कि दूसरा क्लास में पास हो गए तो फिर तीसरा क्लास में नहीं पास होना पड़ेगा, तीसरा में भी पास होना पड़ेगा, चौथा में भी पास होना पड़ेगा, पांचवा में भी पास होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पढ़ाई को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। उसी तरह से आइटम के साथ है, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग ए स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्सन आइटम हैव टू राइज कंटिन्यूअसली टू एक्साइटेड स्टेट, तो आइटम को जो है हमेशा के लिए जो है मतलब कंटिन्यूअस जो है एक्साइटेड स्टेज में दाना पड़ेगा, तब ना पॉपुलेशन इन्वर्सन होगा। पॉपुलेशन इन्वर्सन का मतलब का क्या होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम कहाँ होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेज में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस जो है एक्साइटेड स्टेज में आइटम को जाना पड़ेगा, तब पॉपुलेशन इन्वर्सन को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही है, ध्यान दीजिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पंपिंग मेथड। ध्यान दीजिए, इट रिक्वायर्ड द एनर्जी टू बी सप्लाई टू द सिस्टम, उसके लिए हमें एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका जो है डिफिनीशन जो है स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है डिफिनीशन। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द एनर्जी टू द मीडियम टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्सन, ठीक है। ध्यान दीजिए, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द एनर्जी टू द मीडियम टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड पंपिंग मेथड, मतलब कि पंपिंग मेथड क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्सन को मेंटेन करने के लिए, पंपिंग मेथड क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी का हमें सप्लाई करना है उसको हम बोलते हैं पंपिंग मेथड। ध्यान से सुनिए, पॉपुलेशन इन्वर्सन को मेंटेन रखने के लिए, जारी रखने के लिए जो हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पंपिंग मेथड, उसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग मेथड, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द मीडियम टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड पंपिंग मेथड, ठीक है। आपको एग्जाम में पास होने के लिए आपको पढ़ाई को मेंटेन रखना पड़ता है, बार बार आपको किताब खोलना पड़ता है, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ता है, बार बार आपको जो है आपको मैथ को बनाना पड़ता है, याद करना पड़ता है, भोर में उठना पड़ता है, रात में से नहीं सो पाते हैं, तो ये क्या है, मेंटेन कर रहे हैं एनर्जी को जो है मेंटेन कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपके लिए, पंपिंग मेथड हो गया। किसके लिए, पास होने के लिए, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में है, ठीक है, उसी तरह से लेजर लाइट में है, ठीक है। एनर्जी को सप्लाई करना है बार बार पॉपुलेशन मेथड, पॉपुलेशन इन्वर्सन को मेंटेन करने के लिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पंपिंग मेथड, ठीक है। तो पंपिंग मेथड क्या क्या है, क्या क्या वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मेंटेन कर सकते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन को, ठीक है। तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड, टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड। तो सबसे पहले डिफिनेशन को लिख लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड इन लेजर, टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड इन लेजर। तो सबसे पहले जो है टाइप्स को समझिए, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड इन लेजर। चार टाइप जो है हम लोग मेनली जो है यूज करते हैं लेजर लाइट में, ठीक है, पंपिंग मेथड के लिए, ठीक है, पंपिंग के लिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला है ऑप्टिकल पंपिंग, एंड नंबर टू इज केमिकल पंपिंग, नंबर थ्री इज इलेक्ट्रिकल पंपिंग, और नंबर फोर है डायरेक्ट कन्वर्सन पंपिंग, ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्सन जिसको बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल पंपिंग किसको बोलते हैं, तो हमने जो है डिफिनीशन को लिख के रखा है, ऑप्टिकल का मतलब लाइट इज यूज टू राइज एन आइटम
राइज द आइटम टू एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है, सबसे पहले पंपिंग क्या होता है हमने आपको बताया। पंपिंग का मतलब एक्साइटेड स्टेज में जो है उसको बरकरार रखना ही, हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन को बरकरार रखना ही पंपिंग कहलाता है। ठीक है, तो उसको बरकरार रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो है मतलब कुछ सोर्स को ज़रूरत होता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में पास होना, हम आपको एग्ज़ाम्पल को समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेरा जो है मेन जो है पढ़ाने का जो है फोकस यही है कि हर बच्चा को समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हर बच्चा जो है कहीं भी कभी भी उस बात को जो है बार बार जो है सुनकर जो है उसको जो है याद हो जाए, समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए, आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा रहे थे। चूँकि मान लीजिए आपको पास होना है, ठीक है, तो पास होने के लिए आप क्या क्या करते हैं, आप सोच के देखिए। कोई बच्चा जो है ट्यूशन जाता है ना जी, कोई बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास करता है, कोई बच्चा जो है टीचर से जो है स्पेशल कोचिंग में जाता है, ठीक है, स्पेशल ट्यूशन लेता है। ठीक है, कोई बच्चा कॉलेज में जाकर पढ़ता है, ठीक है, कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है, लेकिन काम क्या है, पास होना। सबका मेन मोटो क्या है, पास होना है। उसी तरह से अलग अलग मेथड हैं, लेकिन काम तो एक है ना, काम एक क्या है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को जो है मेंटेन रखना है। जिस प्रकार से स्टूडेंट का काम एक है कि हमको जो है रैंक को मेंटेन रखना है, उसी तरह से यहाँ पर है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है, किसी में हम इलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे, किसी में हम केमिकल का यूज़ करेंगे, किसी में जो है हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है, समझ लीजिए। तो ऑप्टिकल पंपिंग किसको बोलते हैं, इट इज़ यूज टू राइज द आइटम टू एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग मेथड। समझ में आ गया, ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल पंपिंग में जो है हम लोग लाइट को यूज करते हैं। ठीक है, लाइट को यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। सेकंड डिफिनेशन देखिए, केमिकल पंपिंग, तो केमिकल पंपिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है यूज होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज यूज टू राइज द आइटम टू एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। हो गया ना, केवल जो है केमिकल रिएक्शन डाल दीजिए, उसके बाद सेम वर्ड इज यूज टू राइज द आइटम्स टू एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग में क्या करते हैं, हम जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जो है अप्लाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज यूज टू राइज द आइटम टू एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग है। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब हम डायरेक्ट जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन को ही कन्वर्ट करके जो है हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिए, इन दिस मेथड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली क्रिएट्स द पॉपुलेशन इन्वर्सन एंड लेजर इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो इस मेथड में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा डायरेक्ट ही जो है पॉपुलेशन इन्वर्सन को जो है क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, कोई कोई बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट जो है सर्टिफिकेट ही खरीद लेता है। समझ रहे हैं ना, पढ़ाने की ज़रूरत है न, चोरी करने की ज़रूरत है न, ट्यूशन जाने की ज़रूरत है न, कोचिंग जाने की ज़रूरत है, डायरेक्ट सर्टिफिकेट ही खरीद लो। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है, ठीक है, आपको नहीं बोल रहे हैं, दुख मत मानिएगा, बहुत सारा बच्चा पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट खरीद के बैठ गया, भाई हमने पॉलिटेक्निक किया था, कब से कब, तो 2016-19 तक। ठीक है, तो वही है डायरेक्ट कन्वर्जन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम जो है आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश किया टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में जो है बहुत जो है खास रहा, क्योंकि हमने आपको जो है बहुत सारा चीज़ के बारे में सिखाया। सबसे पहले जो है आपको बताया एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, उसके बाद पंपिंग मेथड के बारे में बताया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को घंटा को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो को डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब हम विदा लेते हैं, आप हमें विदा लेने के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।